सरकारी अस्पताल में राजस्थान में कोई इलाज नहीं होता, दिल्ली में सब कुछ मुफ्त है। आम आदमी थोड़ी सी बीमारी हो जाए, लूट जाता है, पूरा घर लूट जाता है उसका। पूरे दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। दिल्ली में हमने ये इंश्योरेंस का झुंझुना नहीं दिया। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, सरकारी अस्पताल में राजस्थान में कोई इलाज नहीं होता, ना डॉक्टर, ना दवाई, ना मशीन, ना एक्सरे, कुछ नहीं है। और प्राइवेट में चले जाओ। कल मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया, उसका बेटा गिर गया, यहां पे चोट लग गई माथे पे, किसी और राज्य में रहता है, दिल्ली में नहीं रहता, कहीं और रहता है। वो एक बड़े अस्पताल में गया टांके लगवाने, चार टांके लगने थे। उस बड़े अस्पताल वालों ने 2.25 लाख रुपए का बिल बना दिया, 4 टांके लगाने हैं, 4 टांके। आज इतना महंगा हो गया इलाज कराना, इतना महंगा हो गया इलाज कराना। आम आदमी थोड़ी सी बीमारी हो जाए, लूट जाता है, पूरा घर लूट जाता है उसका। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आपको खांसी है, बुखार है, क्रोसिन की टेबलेट लेनी है, दवाई मुफ्त मिलेगी, डॉक्टर मुफ्त, टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर दिया। पूरे दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सारी दिल्ली के सरकारी अस्पताल एयर कंडीशन्ड बना दिए, प्राइवेट अस्पतालों से भी ज्यादा अच्छे कर दिए दिल्ली के सरकारी अस्पताल। अब आपको चाहे 10 रुपए की टेबलेट लेनी है वो भी मुफ्त, और 10 लाख रुपए का इलाज कराना है वो भी मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर दिया। अभी मैंने सुना है गहलोत साहब ने इंश्योरेंस चालू कराया, कराए कि नहीं कराए? इंश्योरेंस चालू कराए हैं जी? इंश्योरेंस कब मिलेगा? जब अस्पताल में एडमिट होगे तब मिलेगा। मैं ये सोच रहा था अस्पताल में एडमिट तो कभी बहुत सीरियस, भगवान ना करे बहुत सीरियस बीमारी होती है तब होता है आदमी, बाकी आदमी की जिंदगी में बुखार, खांसी, छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती, डायबिटीज। मैं ही पिछले 8 साल से अभी तक एक बार भी अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो मैं कई बार गया, इतनी दवाइयां लेनी पड़ती है। तो इंश्योरेंस किस काम का आया जी? आपकी जिंदगी में रोज कभी बच्चे को कुछ हो गया, कभी बीवी को कुछ हो गया, कभी मां को कुछ हो गया, बुढ़ापे में कुछ हो गया, उसमें तो काम नहीं आया। दिल्ली में हमने ये इंश्योरेंस का झुंझुना नहीं दिया। दिल्ली में सब कुछ मुफ्त है, दवाई भी मुफ्त है, टेस्ट भी मुफ्त है, मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, अस्पताल में जाओ, सब कुछ मुफ्त है। तो आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, मुझे वोट दो, राजस्थान के गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दूंगा, पूरे राजस्थान में शानदार अस्पताल बनवा दूंगा। और ये झूठा वादा नहीं कर रहा, दिल्ली में करके आया हूं, पंजाब में कर रहे हैं, अगला नंबर राजस्थान का है।